हेलो दोस्तों, आज रेलवे ने अपना पहला स्मार्ट कोच लॉन्च किया। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि स्मार्ट कोचेस क्या हैं और ये कैसे काम करेंगे और हमारे जो पुराने कोचेस से इसमें क्या डिफरेंस है। चलो आज इसी वीडियो में ये देखते हैं। बेसिकली स्मार्ट कोचेस मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं और रेलवे प्लान कर रहा है 100 न्यू कोचेस बनाने के लिए। अब दोस्तों, इसे स्मार्ट क्यों कहा जाता है? आपको तो पता ही होगा, IoT प्लेटफॉर्म जो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा इसका बज चल रहा है। IoT दोस्तों कुछ नहीं होता, इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेंसर्स हम लगाते हैं, ठीक है, और उससे निकलने वाली इंफॉर्मेशन को हम किसी सर्वर पे, किसी प्लेटफॉर्म पे लेके उसको प्रोसेस करके कहीं से उसे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, स्मार्ट कोचेस में भी ऐसा ही किया गया। इसमें कुछ सेंसर्स लगाए गए जिसको एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के तहत, एक वन सिंगल विंडो के तहत हम देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। बेसिकली अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो दोस्तों, इसमें एक एनर्जी हार्वेस्टर सेंसर लगा है जो एक्चुअली वाइब्रेशन बेस्ड सेल्फ पावर्ड है, तो इसमें कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सेंसर क्या करेगा, ये सेंसर व्हील्स की कंडीशन, बियरिंग, हार्ड स्पॉट ऑन द आपके ट्रैक्स, ये सब मॉनिटर करता रहेगा। और बेसिकली ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ये सेंसर उठा के एक डेटा कंसंट्रेटर में डाल के, जिसमें GPS कोऑर्डिनेट्स भी रहेगा, GPRS के थ्रू, मतलब आपका नेट के थ्रू, इसे एक रिमोट सर्वर को भेज देगा जहाँ पे कोई, मतलब आपके लोग इसे कंट्रोल कर रहे होंगे, लोग इसे चेक कर रहे होंगे, मतलब लाइवली इसे देख रहे होंगे। तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि व्हील्स की कंडीशन क्या है, बियरिंग कैसी है, ट्रैक्स अच्छे हैं कि नहीं, जिससे हमारी सेफ्टी बढ़ेगी। दोस्तों, इसमें और एक फीचर है, आपके 6 कैमरास लगे हुए हैं कोचेस में जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये लाइव रिकॉर्डिंग डायरेक्टली फीड हो रही है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर से इसे डायरेक्टली देखा जा सकता है। इसमें दोस्तों एक वाटर लेवल इंडिकेटर भी रहेगा जिसे WLI कहा जा रहा है। बेसिकली WLI और वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करेगा, ये एक SMS सेंड कर देगा नेक्स्ट स्टेशन को इफ आपका जो वाटर लेवल है वो हाफ हो जाता है। मतलब अगर आपका वाटर लेवल जो पर्टिकुलर कोचेस में, इफ इट कम्स टू हाफ दोस्तों, तो इमीडिएटली क्या करेगा, ये उसे एक मैसेज भेज देगा नेक्स्ट स्टेशन में कि इसे वाटर लेवल को फिल करना है। बेसिकली इसे प्रोग्राम किया जा सकता है बेस्ड ऑन रेलवे नीड कि ऐसे मुझे हाफ होने से ही भेजे कि 75% होने से भेजे। दोस्तों, इसमें एक ऑटोमेटेड GPS बेस्ड अनाउंसमेंट सिस्टम रहेगा। इसमें प्री रिकॉर्डेड वॉइस रहेंगी ऑलरेडी, तो क्या होगा कि आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन, अभी नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है, डिस्टेंस कितना रह गया है, और दोस्तों एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, सेफ्टी, ये सब आपको दोस्तों बताता रहेगा, जिससे हमको पता चलता रहेगा कि हमारी ट्रेन अभी कहाँ है, इसका GPS कोऑर्डिनेट्स कितना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको इस स्मार्ट कोचेस में मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर स्मार्ट कोचेस में दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो है वाईफाई इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो उससे होगा क्या कि आपका, आपके पास, आप बेस्ड ऑन योर जो आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल हो कि आपके पास कोई टैबलेट्स हो, तो आप म्यूजिक, सॉन्ग्स, वीडियोस ये आप आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी रेलवे प्लान कर रहा है नेक्स्ट वर्जन इसका 2.0 निकालने के लिए, जिसमें कुछ और फिल्टर्स रहेंगे, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स फिल्टर रहेगा, आपका SO2 लेवल फिल्टर रहेगा, और भी बाकी फिल्टर्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आप इसका नेक्स्ट प्लान है। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोच एक LHB प्लेटफॉर्म पे बना है, जो ऑलरेडी हम शताब्दी या राजधानी इसमें देख रहे हैं, जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने बेसिकली बनाया है। तो हम दोस्तों ये आशा कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कोचेस बनने वाले हैं, बिकॉज 100 कोचेस प्लान्ड है, तो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखते हैं ये कोचेस कैसे काम करते हैं। बट एक चीज़ तो ये है कि हमने ये देखा है हमारे इंडियन रेलवेज में, जब भी कुछ नया आया है लोगों ने तो उसे हमेशा ही तोड़ा है, फोड़ा है। तो देखते हैं लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे रिसीव करते हैं और इसे लोग कैसे केयर करते हैं। दोस्तों, आप मेरे और भी वीडियोस को जा सकते हैं जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ द राजधानी बेसिकली बताया हुआ, जो मैं लिंक डाल दूंगा। बेसिकली आपका हावड़ा राजधानी है, आपका भुवनेश्वर राजधानी है, तो ये सब वॉइस वीडियोस आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपना कमेंट जरूर